सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज हम हैं सेक्टर 9D। अच्छा चलिए पूछते खाने में क्या क्या। अच्छा कितने टाइप के पराठे हैं आपके पास? आलू का है, गोभी का है, पनीर का है, प्याज का है, मिक्स है, कल्ला पनीर है। आप लाइन देख रहे हैं, अभी थोड़ी खाली हुई है, ये पूरा फुल रहता है। ये कस्टमर आते रहेंगे, खाते रहेंगे और जाते रहेंगे। रेट के की बात अगर की जाए कि रेट का क्या है, मतलब कई जगह रेट बड़े महंगे पर टेस्ट नहीं होता। यहाँ हम टेस्ट देखते हैं, रेट मैंने कभी नहीं देखा। आप तो शादीशुदा हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो मैडम अच्छा बनाते हैं यहाँ पे? बस ये उनको रिकॉर्ड करना ही पड़ता है। तो गाइस मेरा आ गया है फूड। मैंने दो टाइप के पराठे यहाँ ऑर्डर किए हैं, एक है प्याज पनीर पराठा और एक आपका मिक्स वेज है। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज हम हैं सेक्टर 9D बद्दू जी के यहाँ। आप बोले बद्दू जी कौन है? बद्दू जी खिलाते हैं अपने हाथों से गरम गरम पराठे, वो भी डिफरेंट टाइप के। हर टाइप का यहाँ पर आपको पराठा मिलेगा और उसके साथ मिलेगी गर्मा गर्म कॉफी और इनके पास बहुत सारी चीजें हैं। तो आइए मिलते हैं बद्दू जी से। क्राउड देखिए यार, मॉर्निंग का टाइम और क्राउड आप देख सकते हैं कितना बड़ा क्राउड यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे हर कोई सुबह यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के लिए आते हैं, अपनी पेट पूजा करने के लिए आते हैं। तो गाइस अगर आपको अच्छे पराठे खाने हैं और टेस्टी पराठे खाने हैं और वैरायटीज ऑफ पराठा यहाँ पर बहुत सारी मिल जाएंगी। तो अभी कर रहे हैं बद्दू जी, थोड़ा सा अभी बिजी हैं और फिर भी हम उनका थोड़ा बहुत इंटरव्यू ले लेंगे, फिर बातचीत करेंगे कि कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ। तो आइए बात करते हैं और पहले इनकी तैयारी दिखाते हैं यार, कब से कितने बजे से सुबह सुबह उठ जाते हैं, काम करने लग जाते हैं, ये सब पूछेंगे। और कितनी स्पीड से चीजें बन रही है आप सब देख सकते हैं। और जैसे कि एक जना बेल रहा है, एक जना स्टफिंग कर रहा है, एक जना वहां पर दूध उबाल रहे हैं और कोई इसको तल रहा है। ये सारी चीजें एक साथ, एक टीम वर्क हो रहा है यहाँ पे, टीम वर्क के साथ ये काम किया जाता है। तो सारी तैयारी इनकी आप देखिए, यहाँ पर गोभी का पराठा है, वहाँ पनीर का पराठा है, यहाँ मिर्ची, अगर आपको थोड़ा तीखा खाना है वो चीज आप देख सकते हैं, और प्लस ये है गोभी का। और यहाँ देखिए, यहाँ सूखा आटा रखा है, बाकी स्टफिंग तैयार की जाती है काफी अच्छी। तो आइए बात करते हैं और कोशिश करेंगे, पब्लिक का रिव्यू भी लेंगे कि वहाँ कब से आ रहे हैं, क्या कब से खा रहे हैं यहाँ पर और टेस्ट कैसा लगता है। तो आइए बद्दू जी से बात करते हैं। सो गाइस आइए पूछते हैं। सो नमस्कार अंकल जी, थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा। कैसे हैं? नमस्कार जी, नमस्कार। अच्छा कब से आपकी दुकान ही बनी? 30 साल हो गया जी। 30 साल हो गई शॉप को। अच्छा कितने बजे शॉप खोलते हैं आप? सुबह 8 बजे खोलते हैं। 8 बजे से? और तैयारी पूरी टीम है आपके साथ? हाँ पूरी टीम होती है, 4 बजे से हम लोग लगे होते हैं यहाँ पे। तो 4 बजे से ये लोग लगे होते हैं। तो ये बताइए कि कैसा, कब से शुरू हुआ, मतलब कैसे कॉन्सेप्ट दिमाग में आया? दिमाग आया पहले होटल में काम कर रहे थे हम लोग। अच्छा। पहले होटल में काम करके आए, इंटरव्यू देके वहाँ, तब यहाँ आए। तो गाइस बड़ी मेहनत है, गर्मी इतनी है बहुत ज्यादा। अच्छा चलिए पूछते खाने में क्या क्या। अच्छा कितने टाइप के पराठे हैं आपके पास? पराठे हमारे पास 10-12 तरह के हैं। अच्छा जैसे? आलू का है, गोभी का है, पनीर का है, प्याज का है, मिक्स है, कल्ला पनीर है। अच्छा। मूली प्याज है, मूली का है। अच्छा पीने के लिए क्या क्या आपके पास, मतलब मैंने देखी जैसे दूध उबाला के, दूध वगैरह आप देते हैं? कॉफी बनाते हैं, बीट कॉफी है, कोल्ड कॉफी है। अच्छा। दूध पत्ती है। अच्छा। चाय है। ओके, मतलब इनके पास कॉफी है, चाय है, कोल्ड कॉफी है, ये सभी चीजें यहाँ आपको मिलेगी। सो गाइस अगर आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं तो शायद 60-70 रुपए से एक का पराठा नहीं मिलता। तो आइए करते हैं प्राइस की बात। तो 60 रुपए तक है। 60 रुपए का एक पराठा? 60 रुपए तक है, 25 से लेके 60 रुपए का। तो हर जो पराठा है उसका अलग अलग रेट है। तो आइए ट्राई करते हैं और पीते हैं और खाते पीते हैं और मजे करते हैं। तो पहले थोड़ा पब्लिक रिव्यू ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग खाएंगे। तो आइए चलते पब्लिक की तरफ। और बद्दू जी अगर यहाँ किसी को आना है तो अपना टाइम और लोकेशन आप बताएंगे? लोकेशन सिटको पंप है, नियर बाई सिटको पंप, डॉक्टर बत्रा के बैक साइड। टाइमिंग बताइए। टाइमिंग सुबह 8 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक। अच्छा तो इतना मतलब शाम तक खत्म हो जाता है स्टफिंग सारी? शाम तक सब तैयार होता रहेगा, नया नया सामान चलता रहेगा, मतलब चलता रहेगा, बनता रहेगा, चलता रहेगा, स्टॉप नहीं होगा। तो जब भी आए यहाँ टेस्ट करके जाए। तो आइए पब्लिक रिव्यू ले लेते हैं। तो गाइज यहाँ आप लाइन देख रहे हैं, अभी थोड़ी खाली हुई है, ये पूरा फुल रहता है। ये कस्टमर आते रहेंगे, खाते रहेंगे और जाते रहेंगे, और जिसको जो खाना है वो ऑर्डर करता रहेगा। तो आइए पहले रिव्यू ले लेते हैं सर से। हेलो सर, क्या नाम है आपका? रोहित। यही लोकल ही है जी? नहीं, बिहार कराने वाले हैं। हाँ जी, बिहार कराने वाले। ये है बिहार के रहने वाले। अच्छा बिहार का फूड अच्छा लगता है या चंडीगढ़ का? चंडीगढ़ का ये परोठा बहुत बढ़िया लगता है। कितने कितने टाइम से खा रहे हैं ये? अभी 10 मिनट से खा रहे हैं।
10 मिनट से खा रहे हैं। मैं पहली बार आया है? नहीं, खा लिया है पहले भी, एक परोठा पहले खा लिया है। अच्छा, मतलब आप आते रहते हैं यहाँ पे? हाँ। अच्छा, क्या ऑर्डर किया आपने? एक मिक्स परोठा था और एक आलू का था। अच्छा, एक मिक्स परोठा खाया और आलू का, और ये क्या है? ये चटनी है। चटनी अच्छी है जी। अच्छा, चलिए बढ़िया है। तो आप कह सकते हैं लोगों को यहाँ आने के लिए? जी, यहाँ आना चाहिए। चलिए गुड। चलो भैया ने तो भैया आलू का पराठा यहाँ ऑर्डर किया। आप एक सर और बैठे हैं यहाँ पर। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे आप? बढ़िया। सर कुछ बताएं बद्दू जी के बारे में, इतनी मेहनत वो कर रहे, इतनी गर्मी में लोगों को पराठे खिला रहे हैं। बताने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलमोस्ट 2008 से यहाँ पे आ रहा हूँ। ये आज की नहीं है, बहुत पुराने हैं। बहुत पुराने, 2008 से मैं हम यहाँ आते हैं, रेगुलर खाते हैं। क्वालिटी में कोई फर्क पड़ा है? सेम है, वही टेस्ट है जो 2008 में था वो आज भी है। मतलब क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा फीडबैक पब्लिक देती है, क्योंकि उनका रोज का आना है। तो सर क्या ऑर्डर किया? मिक्स रहते हैं हमारे, मिक्स ही खाने आते हैं हम। अच्छा, मिक्स पराठा इन्होंने खाया। और आपका फेवरेट क्या है, मतलब इसके अलावा? मेरा इनका आलू प्याज का अच्छा है, एंड मेरा फेवरेट वैसे मिक्स है, मैं मिक्स ही खाता हूं। और क्या क्या देते हैं? चटनी और बटर और चाय, दही, जो आपका दिल करे वो ले सकते हैं। तो रेट के मामले की बात अगर की जाए कि रेट का क्या है, मतलब कई जगह रेट बड़े महंगे पर टेस्ट नहीं होता। यहाँ हम टेस्ट देखते हैं, रेट मैंने कभी नहीं देखा इनको। मैं लास्ट में पूछता हूँ कितने पैसे बने, मैं देके चला जाता हूँ, क्योंकि इनका टेस्ट इतना है तो रेट की जरूरत नहीं पड़ती। सही बात है। और आप साथ में चाय ले रहे हैं, क्या पी रहे हैं? चाय। तो गाइस यहाँ पे पराठे के साथ ना चाय पी रहे हैं, और कह रहे क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, प्राइस के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, क्योंकि टेस्ट पैसा चाहे कितना भी लग जाए लेकिन टेस्ट अच्छा होना चाहिए। आइए आगे पूछते हैं लोगों से। ये देखिए भैया तैयार हो रखे हैं। सो गाइस कुछ यहाँ पे और लोग भी बैठे जो ना ऑफिस जा रहे हैं या ऑफिस से आ रहे हैं, नाइट शिफ्ट करते हैं, कोई मॉर्निंग शिफ्ट करते हैं। आइए सर से बात करते हैं, इनका एक्सपीरियंस भी बोलेगा। तो आइए पूछते हैं। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बढ़िया हैं, आप? आई एम गुड। तो सर क्या खा रहे हैं? पराठा है। किस चीज का पराठा है ये? मिक्स है, मिक्स पराठा। मैं ज्यादातर देख रही हूँ यहाँ लोग मिक्स पराठा खा रहे हैं, वो कुछ अलग है टेस्ट? हाँ ठीक है, इसके तकरीबन तभी लोग आते हैं यहाँ पे। चलिए बढ़िया है। अच्छा ये बात बताइए कि आप तो शादी शुदा है? हाँ जी, हाँ जी। तो मैडम अच्छा बनाते हैं यहाँ पे? ये फंस गया, बस ये उनको रिकॉर्ड करना ही पड़ता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अच्छा टीवी पे देखेंगे आप? तारीफ करनी पड़ेगी, नहीं तो रात को रोटी नहीं मिलेगी। चलिए जोक्स अपार्ट, तो कोई बात नहीं, मैम तो मैम से, मैम का कंपैरिजन तो कोई कर ही नहीं सकता, उनका कोई वो नहीं है, है ना? बदलू जी भी फेल है। हाँ जी मैडम, क्या आगे ना फेल है। बिल्कुल देखिए, घर की बात तो अलग ही होती है, घर में जो प्यार से चीजें बनाई जाती है वो शायद जल्दबाजी में बाहर ना मिल पाए। तो सर खा रहे हैं बटर के साथ, तो सर कुछ चाय कॉफी नहीं ली आपने? लस्सी। अच्छा लस्सी का भी ऑप्शन है, चाय कॉफी लस्सी तीन चीजें हैं जो आप पीना चाहिए गर्मी के टाइम पे। कई लोग चाय प्रेफर करते हैं, कोई कॉफी पीता है, कोई लस्सी पीता है, तो सर ने लेनी लस्सी। तो सर कुछ आप बताएंगे? हाँ जी मैम। पहले तो आपका नाम? इंदर सिंह। सर ऐसे नहीं लग रहे एडवोकेट? नहीं, आई एम नॉट एडवोकेट नहीं आप, बट आपका लुक एडवोकेट वाला लग रहा है। थैंक यू मैम। चलिए सर क्या खा रहे हैं आप? हम परोठा खा रहे हैं। परोठा कौन सा? मिक्स वेज। मिक्स वेज, मतलब काफी डिमांडिंग है मिक्स वाला ना। तो सर बताइए कब से आ रहे हैं? मैं तो वैसे शाम से आया हूँ चंडीगढ़, ये मेरे कजन है। हाँ जी, लोकल ही रहते हैं आप? नहीं मैं हिमाचल से हूँ। हिमाचल से आए? वाह, ये हिमाचल से आए थे दूर से पराठे खाने? बंद करो हाथ जोड़ के। मैं पराठे खाने वेरी मॉर्निंग में, मैं क्या क्वार्टर में कौन करे, मैं क्या चलो बाहर खा लेते हैं। चलिए बहुत अच्छा लगा। तो चंडीगढ़ कैसा लगा? बहुत बढ़िया जी। अभी घूमे आप? नहीं अभी तो घूमता तो काफी हूँ, पहले ही 5-7 बार आया हूँ, पर आज वैसे स्पेशली बाइक के साथ आया हूँ घूमने। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये कैसा लगा, ये एटमॉस्फेयर कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा हाँ जी, हाँ जी, बहुत। 30 साल पुरानी दुकान है, और क्या खाना चाहेंगे? बस हम अब इसके साथ लस्सी पीना चाहते हैं। देखिए लस्सी ना सबको फेवरेट है, सबका फेवरेट है, तो सर दोनों ने लस्सी पीनी है, तो वो भी आपको दिखाएंगे यहाँ लस्सी कैसी मिलती है, क्वांटिटी कितनी है और प्राइस, वो सब चीजें डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी। तो देखिए एटमॉस्फेयर काफी अच्छा है। सो गाइस अब अपने लिए ऑर्डर करते हैं कि इतनी तारीफ हो रही है खाने की, यार कुछ मैं भी ट्राई करती हूँ। तो आइए चलते हैं, और उससे पहले आपको दिखा दें कि यहाँ पे कॉफी मेकिंग हो रही है।
गाइस मेरा आ गया है फूड। मैंने दो टाइप के परांठे यहाँ ऑर्डर किए हैं, एक है प्याज पनीर परांठा और एक आपका मिक्स वेज है जिसमें इन्होंने हमें दिया है बटर और ये है आपकी चटनी। ये एक अलग कॉम्बो है, प्लस एक कॉम्बो ये मंगाया मैंने जिसमें मेरी एक कॉफ़ी है हॉट कॉफ़ी और ये है लस्सी। इनके पास ना कोल्ड कॉफ़ी भी है यार गाइस, मैं तो ना चाहे गर्मी चाहे सर्दी मैं कोल्ड कॉफ़ी तो पीती हूँ गर्म वाली। और ये है इसके साथ चटनी। आप करते प्राइस की, प्राइस यहाँ पे क्या है कि ये है 20 रुपीज़ का मिलेगा आपको दही और ये आपकी 50 की है, ये आपकी 40 की है और ये जो परांठा है मिक्स वेज परांठा ये मिलेगा आपको 35 रुपीज़ का, और जो ये पनीर वाला पनीर प्याज वाला परांठा ये आपको मिलेगा 50 रुपीज़ का। सो गाइस प्राइस के अकॉर्डिंग और साइज़ के अकॉर्डिंग परांठा बहुत अच्छा है। और आप करते खाने की तैयारी तो खाते हैं, इनकी चटनी बड़ी अच्छी है मैं आपको दिखा देती हूँ, ये घर वाली चटनी है बिल्कुल। तो आइए टेस्ट करते पहले पनीर परांठा, और मुझे तो लग रही काफ़ी भूख क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, हम घर से ब्रेकफास्ट करके नहीं आए क्योंकि हमने सोचा था कि यहीं आके हम ब्रेकफास्ट करें। सो गाइस ये है आपका परांठा, काफ़ी यमी लग रहा है मुझे, और इसकी स्टफिंग चेक कर लेते हैं। स्टफिंग के मामले में गुड है, 10 out of 10 में इसको देना चाहूँगी, और टेस्ट के मामले में यह कैसा है तो ये की चटनी में और टेस्ट बहुत अच्छा है, चटनी बहुत अमेजिंग है, घर वाली चटनी लग रही है। और बटर हम लगा लेते हैं, वैसे मैंने बटर नहीं लगाया तो बटर भी यहाँ लगा लेते हैं। तो गाइस मैं तो करने वाली हूँ अपना ये फूड इंजॉय, और आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है आप लोग यहाँ आए एक बार टेस्ट करें, और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। बटर के साथ खा के देख लेते हैं, बहुत अच्छा। तो गाइस ये है मिक्स वेज परांठा, मिक्स वेज में सभी चीज़ें हैं, आलू प्याज और पनीर एवरीथिंग, आलू भी है। स्टफिंग चेक कर लेते हैं अंदर की, स्टफिंग अच्छी है, बट अब मेरे को लग रहा है मेरे एक पेट से पराठा मर जाएगा, सॉरी। तो खा के देखते हैं, सच्ची कहूँ मैंने पराठे खाए हैं पर ऐसा टेस्ट नहीं मिला है मुझे, और सबसे अच्छी बात है ना स्टफिंग अच्छी होनी चाहिए, और साइज पराठे का साइज अच्छा होना चाहिए, पराठे का साइज बहुत अच्छा है और स्टफिंग भी बहुत अच्छी, कोई कंजूसी नहीं करी, आराम से आप दो तीन पराठे तो खा सकते जो पराठों के फैन हैं। तो मैं करती हूँ अपना फूड इंजॉय, और कॉफ़ी बहुत ही बहुत अच्छी कॉफ़ी जैसे मैं घर पर बनाती हूँ ना उस टाइम की कुछ लगता है, तो टेस्ट करते हैं। उसके बारे में आप ज़रूर लिखिए, कमेंट करें, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें, और जो इस चैनल पे नए हैं वो लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बच्चे भी आ रहे हैं भाई, बच्चे भी फैन है खाने के, ये हमारी पब्लिक इतने खुश है यहाँ आते हैं खाने के लिए, सो आप लोग यहाँ आए ट्राई करें, तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग पर।